नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसा दैनिक सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले, पिछले वीडियो हम लोगों ने बहुपद में जो शून्य ज्ञात करते हैं उसमें सवाल नंबर एक और दो देखा था। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर तीन में। तो सवाल नंबर तीन हमें दे रखा है 6x² - x और -2, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बहुपद होता है उसमें क्या होता है कि जो ax² होती है प्लस bx + c, ठीक है। तो यहाँ पर a हमें दे रखा है 6, ठीक है, और b यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर देखो केवल x है तो हम मानेंगे a के b यहाँ पर, और c हमें दे रखा है -2। जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो बीच में ये संख्या होती है इसके हम दो बराबर टुकड़े करते हैं, टुकड़े इस प्रकार से करते हैं कि इनको गुणा करने पर तो गुणनखंड आना चाहिए 6 और 2 का, मतलब a और c का। 6 और 2 को गुणा करोगे आएगा 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर -12x² आने चाहिए, और जोड़ या बाकी करने पर वापस वो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो बीच वाली संख्या क्या है, यहाँ पर x है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 4 -4x और +3x, माइनस प्लस यहाँ पर आपको पता है कि घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -x, एक ही बचेगा और इनको गुणा करोगे 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर आ जाएंगे 12x², तो यहाँ पर हम टुकड़े लेंगे 4x वाले। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 6x², यहाँ पर -4x + 3x और -2, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लेना है, इसमें देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 को यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 2x, ठीक है। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर आएगा 3x, माइनस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, और यहाँ पर x x x कट जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो वापस यहाँ पर लिखना आपको प्लस, और यहाँ पर ये यह संख्या सेम आ रही है, इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें पूरा भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, और ये कोष्टक और ये कोष्ट हमारा मिल रहा, तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद में 3x और -2, तो इसमें एक संख्या तो हमारे पास आ गई भाई 2x + 1, और दूसरा है 3x - 2, ठीक है। इनके बराबर हम शून्य रखेंगे, जैसे 2x + 1 बराबर में रखता हूँ शून्य, तो 2x इस प्रकार रहेगा, तो प्लस के आके यहाँ पर हो जाएगा -1, और ये गुणा में तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में या फिर बटा में, तो 1 तो हो गया आपके -1/2, और सेकंड यहाँ पर 3x - 2 के बराबर शून्य रख रहे हैं, तो यहाँ पर x = +2 आ जाएंगे, और ये गुणा में है तो आ जाएगा बटा में, तो 1 हो गया हमारे पास 2/3, और 1 हो गया -1/2। आगे हम क्या करते हैं सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा और बीटा, ठीक है, पहले दिन को जोड़ते हैं, जो किसके बराबर होती है, जो कि आपको पता है कि ये बराबर होती है -b/1 के, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 तो है 2/3 और -1/2, इसको जोड़ना है, और ये -1/2 है, ठीक है, ये हमारे शून्य हो गए। यहाँ पर माइनस बी कुछ नहीं रह रखा है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 है, और एक सूत्र का 1 भी है, यहाँ पर -a = मैं दे रखा है 6। इस प्रकार से अब इनको कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 3 × 2 = 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, सब यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर जाएगा 2 × 3 = 6, 3 = 3, और इसको और सरल कर लेते हैं, यहाँ पर 4 - 3 करोगे तो 1/6, यहाँ पर आएगा 1/6, और यहाँ इस तरह माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 1/6, तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आ, तो हमारा उत्तर यहाँ तक सत्य। अब इसका बाकी रहता है कि अल्फा और जो बीटा होता है इसका हम गुणा भी करके देखते हैं, जो कि बराबर होता है हमारा जो अचर पद होता है उसके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो c/a के बराबर होता है, तो अल्फा और बीटा 2 और 3 इनको हम गुणा करेंगे -1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर c हमारे पास जो दे रखा है वो एक -2 दे रखे हैं, और a हमारे पास है 6, ठीक है। तो ये वापस इसको सरल कर देते हैं, 3 × 2 हो जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो आप, 2 से गुणा करेंगे तो गुणा से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा -1/3, ठीक है। अब इसमें भाग दो, 2 × 1 = 2, और 6 में भाग जाएगा 3 बार, तो ये -1/3 और -1/3, ये दोनों संख्या बराबर, तो हमारा उत्तर सच। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट है ये, इसमें दे रखा है कि x की घात दे रखी है, और यहाँ पर दे रखा है हमें 15,
जबकि हमारा जो सूत्र होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर तो चलो एक मान लेंगे, बी हमें दे नहीं रखा है तो शून्य मान लेंगे, और सी बराबर हमें दे रखा है माइनस के 15। ठीक है, आपको पता होता है इसमें एक सूत्र यूज लेते हैं जिसमें होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाद में क्या करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं ए प्लस बी, और एक बार इसको लिख देते हैं ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पर 15 है तो इसको हम अनरूट में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर करना तो हम क्या कर देते हैं अनरूट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अनरूट करने पर आपको पता है कि यहाँ पर 2 की घात आएगी, अनरूट करके यहाँ पर 2 की घात लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो एक्स की घात 2 है और माइनस यहाँ पर मैं अनरूट लगा के ये 15 और इसकी घात 2 कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक बार प्लस ए और बी में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस अनरूट 15 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बार वापस माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र में गलती कर दी, एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ पर वापस होगा एक्स माइनस अनरूट 15। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है एक्स प्लस अनरूट 15 बराबर हम 0 लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से एक्स है तो इस तरफ आ जाएगा माइनस के हो जाएंगे एक तो अनरूट 15, इसी तरह से ये माइनस के हैं तो इस तरफ आगे हो जाएंगे एक, हो जाएगा हमारे पास प्लस के अनरूट 15, तो ये हमारे पास 2 शून्य का जाएंगे। ठीक है, माइनस के 15 अनरूट में और प्लस के 15। ठीक है, उसके बाद ना इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ये एक बार वापस जोड़ करनी है, जैसे यहाँ पर होता है कि अल्फा बीटा बराबर जो किसके होते हैं माइनस बी बटा ए के। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस के हो गए आपके अनरूट 15 और प्लस करेंगे हमको इसको 15 से। ठीक है, और बराबर में माइनस बी हमारे पास 0 है और यहाँ पर ए आपको मानो 1 है, चलो 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइनस प्लस है तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर भाग बचेगा 0, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब इसका देख लेते हैं, अल्फा और बीटा जो करते हैं उसका गुणा करते हैं जो कि बराबर होता है सी बटा ए के। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा माइनस 15 मल्टीप्लाई अनरूट ये। ठीक है, यहाँ पर माइनस अनरूट 15 आ गए और ये हो गया प्लस में अनरूट 15, इसको दोनों गुणा करना जो कि बराबर किसका होता है सी, सी हमें दे रखा है यहाँ पर, सी यहाँ पर माइनस के 15 दे रखा है और ए हमारे पास 1 है। ठीक है, अब आपको पता है कि अनरूट को इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद वापस अनरूट करेंगे कितने ही बचेंगे माइनस के 15, अगर विश्वास नहीं हो तो इनको 15 गुणा करके वापस अनरूट करके देख लेना, यहाँ पर 15 ही आएंगे, तो यहाँ पर ये भाग दे कितने बचेंगे माइनस के 15, तो ये दोनों भी पक्ष यहाँ पर बराबर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सवाल बचे हैं उनको हल करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।